मेरा नाम डॉक्टर एस के बाली है, मैं एक नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। यहाँ पे ये मेडिकल कैंप हमने लगाया है जहाँ पे लोगों की डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, किडनी डिजीज़ और इसके साथ जो जुड़े हुए और कार्डियक और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं वो लोगों की जांच करेंगे और उसकी जो उनको हिदायत है वो दी जाएगी। ज्यादातर वेट करते हैं एज का होने का, तो ये किसी भी एज ग्रुप में आजकल प्रॉब्लम देखने को मिली तो कैसे पता चलता है इनिशियल? देखिए ऐसा है, जो हमारे समाज में इस वक्त एक डायबिटी और ब्लड प्रेशर, ये मेन दो बीमारियां जो हैं ये किडनी को इन्वॉल्व कर सकती हैं। इसके अलावा किडनी बचपन में या यंग एज में किसी भी और डिजीज़ से, जिसे हम ग्लोमेरुलोपैथी कहते हैं, जो किडनी की स्टोन डिजीज और किडनी की जो सोजिश है वो किसी भी एज में हो सकती है। तो लोगों को अपनी डिजीज़ के बारे में जानकारी देना जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए लोगों को अपनी जांच करानी चाहिए रेगुलर लेवल पे, हर एक एज ग्रुप में। किसी भी एज में अगर किसी को सिम्टम्स हो, किसी को पाँव में स्वेलिंग हो गई या यूरिन में कोई ब्लड आ गया या पेन हो गई, तो उनको अपनी रूटीन इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए। और कुछ एज के बाद लोगों को, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको हाइपरटेंशन है या जिनकी फैमिली में कोई किडनी डिजीज़ है, उनको अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन, जिसे हम रीनल फंक्शन टेस्ट कहते हैं, ब्लड यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, लिपिड प्रोफाइल, शुगर और अल्ट्रासोनोग्राफी, ये एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन उनको करानी चाहिए ताकि पता चले कि उनको कोई बीमारी अर्ली स्टेज में तो नहीं है, ताकि वो उसको प्रिवेंट कर सके। आमतौर पर जो कुछ लोग पेन किलर जो दवाइयाँ हैं, जिसे हम एनाल्जेसिक कहते हैं, वो कुछ छोटी मोटी बीमारियों के लिए, जैसे हेडेक हो गई, घुटने में दर्द, कमर में दर्द के लिए, दांतों में दर्द के लिए पेन किलर वो ले लेते हैं और फिर केमिस्ट से या किसी डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के बिना वो लॉन्ग टर्म पे पेन किलर खाते रहते हैं। और बड़े लोगों को देखा गया कि पेन किलर के कारण भी उनका किडनी से इन्वॉल्वमेंट हो जाती है और उनको पता नहीं चलता। लिवर में या स्टमक में अल्सर होने का रिस्क होता है, लिवर डिजीज होने का रिस्क होता है पेन किलर के कारण और किडनी डिजीज का। तो पेन किलर एक प्रिवेंटेबल चीज़ है, जिसे हम अवॉइड करें तो हमारे जो किडनी इन्वॉल्वमेंट जो है वो कम हो सकती है। और जिनको ऑलरेडी किडनी डिजीज है उनको तो पेन किलर हम बिल्कुल कहते हैं कि लेनी चाहिए। तो कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिसे हम देसी ड्रग्स कहते हैं, जिसका कोई फार्मूलेशन का पता नहीं है और उसमें कुछ एलोपैथी ड्रग्स कोई मिक्स करके बना देते हैं, उसमें पेन किलर, स्टीराइड्स और कुछ ऐसे और चीज़ें का मिक्स करके लोगों को दे देते हैं। देखा गया कुछ ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट स्टीराइड लेते रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। कुछ पेन किलर के लिए, जैसे मैंने पहले ही बताया, आर्थराइटिस वाले पेशेंट लेते रहते हैं स्टीराइड्स, कई लोग अनसुपरवाइज ले रहे हैं। तो ऐसी जो डिजीज लोग बिना सुपरविजन के कोई ड्रगिंग कर रहे हैं, उसको उनको रोकना चाहिए, ताकि आम जनता को ये मैसेज मिले कि भाई डिजीज़ जो है वो एडवांस स्टेज में हॉस्पिटल में जाने से अच्छा है कि आप उसको प्रिवेंट करें और कुछ जो हिदायतें हैं वो लें और अपनी जाँच जो है वो रेगुलर टाइम पर कराएँ। किसी को भी कोई बिना सिम्टम्स के भी डिजीज हो सकती है, तो उनको बिना सिम्टम के भी अपने टाइम टू टाइम, 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, साल, उनको अपनी एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए। आज का फिर से कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है, तो आज की कैंप के बारे में मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा बताएं। देखिए आपने जो पिछली बार का कैंप देखा ही है, और आजकल हमारी कोशिश है कि लगभग हर महीने में एक बार एक कैंप हो। तो जहाँ तक आज के कैंप की बात करें, आज हमारे ही इस जम्मू शहर के जो सुप्रसिद्ध एक सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर एस के बाली, जो कि फेमस नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, तो आज उनकी सेवाएं हमको मिल रही है। और इसके अलावा हमारे यहाँ के चिकित्सा केंद्र के जो डॉक्टर्स प्रतिदिन आते हैं वे तो सारे उपलब्ध है ही, पर विशेष आकर्षण आज का जो है डॉक्टर बाली है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगले महीने भी लगभग 3 तारीख के आसपास हमें लगता है कि एक और कैंप हम इस प्रकार का कर पाएंगे, जिसमें हमारे ही जम्मू शहर के जो सुप्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं अजय पंडिता जी,
उनके उपस्थित होने की उम्मीद हम रखते हैं। तो इन कैंप्स के जरिए हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक गरीब लोग और जिन्हें चिकित्सा की ज़रूरत है ऐसे व्यक्ति हमारे आश्रम में आएं और इन चिकित्सा सुविधाओं का फ़ायदा उठाएं। कहा जाता है कि मन में दया भाव होना सबसे बड़ा चीज़ है, और अगर किसी डॉक्टर में ही दया भावना जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है समाज में, तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं और किस प्रकार से आप डॉक्टर्स को एक पेशेंट के साथ जोड़ पा रहे हैं इन कैंप्स के थ्रू? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। देखिए, हमारे देश की परंपरा रही है कि हमारे जो पुराने ज़माने में वैद्य हुआ करते थे, जो चिकित्सा सेवा दिया करते थे लोगों को, तो उनका मकसद ही हुआ करता था कि लोगों को किस प्रकार से सहायता पहुँचाई जाए। अब आजकल थोड़ा कमर्शियल ज़माना हो गया है तो सब कुछ पैसों पर आधारित संबंध बनते जा रहे हैं, परंतु उसके बावजूद भी देखा गया है कि बहुत से डॉक्टर्स आज भी ऐसे हैं जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही अपने ज्ञान का उपयोग नहीं करते, वे सचमुच लोगों की सहायता करना चाहते हैं। और ऐसे डॉक्टर्स हमने देखा है कि दूसरे शहरों में भी है, यहाँ जम्मू में भी ऐसे बहुत से डॉक्टर्स हैं। खुद हमारे यहाँ चिकित्सा केंद्र में जो डॉक्टर आते हैं वे चाहें तो बाहर जाकर बहुत अधिक पैसा कमा सकते हैं, परंतु देखा जाता है कि वे सिर्फ लोगों की सेवा के उद्देश्य से ही हमारे यहाँ आते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्रश्न था आपका कि चिकित्सक का और मरीज का संबंध कैसा हो। हमारे विचार से यह पूरी तरह से पैसे पर निर्भर नहीं होना चाहिए, और उसके बहुत कुछ झलक हमारे और इस प्रकार के दूसरे संगठनों से जो डॉक्टर्स जुड़े हैं उनके जीवन में देखी जा सकती है। जाते जाते या चलते चलते मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि अब जो अगला कैंप आपका ऑर्गेनाइज होने वाला है जी, वो कब होने वाला है, अगले महीने में, आप अगर बता। हमने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमारी कोशिश रहेगी कि अगले महीने की 3 तारीख को ही करने की कोशिश की जा रही है, और आज का कैंप होने के बाद ही हम उसका प्रचार और उसके पैम्पलेट्स वगैरह जो है वो बांटने का काम शुरू करेंगे, तो उससे आपको और डिटेल जानकारी मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।